तो ये हो गया टायर पंचर, और इसका टायर ट्रैक्टर में लगा चुका हूँ न्यूहलैंड में। ये देखो जेक लगा के कंप्लीट हो गया, ये तो इसको खोल खाल के कंप्लीट कर दिया। ट्रैक्टर भी कंप्लीट है, मैं जरा वो एक भैया को छोड़ देता। तो भाई इसमें जुड़ा था न्यूहलैंड, इसको हमने खोल के जंडियर पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसमें टायर नहीं जा पाता। तो सिडिल इसमें फंसा दी, टायर लेकर ट्रैक्टर जा ही रहा है। बाटल जा कुप्पी में भरे रहे कब। तो भाई अपना 53-10 खड़ा है यहाँ पर, जिसमें लगी हुई है शेडिल, कौन सी पुरानी वाली, ये वाली शेडिल इसमें लगी क्योंकि इसमें चल रहा काम। ये देखो इसको, तो स्वागत है भाई आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। अभी देखो मैं डाल रहा हूँ इसमें हाइड्रोलिक ऑयल जॉन डियर में, 3 लीटर कम हो गया था इसमें बोझ। और ये ट्राली आ गई रात को मंडी से, इसमें उस दिन का कम हुआ जिस दिन प्लाउ चला के वो अपना पाइप जो है वो थोड़ा सा ढीला रह गया था ना, उस दिन का कम हुआ है। गलती मैकेनिक उनकी और नुकसान अपन भरो, ऑयल फेंक कर दिया सब। चलो बाकी इसको डाल देता हूँ और फिर मिलेंगे। कूलेंट भी डालना है इसको, थोड़ा करना ठीक ठाक। तो भाई अभी हो गया 7:00 और मैं जा रहा हूँ ट्राली लेने। ट्राली लेने का मतलब है कि रिसेंटली ट्राली लेना कब, सब देखो एक बार चकाचा यहाँ पे काम। कैमरा पकड़ रहा हूँ, सब बच्चे देखते जा रहे हैं। तालाब इधर के तालाब उधर आए, कंस्ट्रक्शन में अभी। बाकी चलो फटाफट से चल लेता हूँ, कोई ट्राली लेकर आता हूँ। तो भाई कल शाम को मैं गया था ट्राली लेने, दो दिन की मेरा ट्राली ला कर खड़ी कर दिया घर। और वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ट्राली हो गई थी हमारे जो गाँव से लेके आ रहा था ना, वो गाँव के स्टैंड पर ट्राली हो गई थी पंचर, मतलब गिट्टी जो अपने ईंटा लेने गए थे एक बार पंचर हुई थी, वही टायर सेम टायर पंचर हुआ है आज भी कल मतलब। तो उसके चक्कर में मैंने उसको इतनी भगा कर आया हूँ इतनी कि मतलब ट्रैक्टर की रेस ही नहीं छोड़ी है, पिकअप निकल रहा। तो वो चक्कर में मैंने कर दिया उसको इतनी भगा कर आया वीडियो में। Thank you.
लालवा ने कि अपनी जो सेम सिटी है वैसे ही सिविल है, लेकिन उसको मक्का में भी बनवा लिया। बाकी अब उसका टायर आयर सब मैंने अपनी बाइक से लेकर जाना, वैसे तो वो टेम्पर में लटकता चल रहा है लेकिन हिमालयन तो उसमें जुड़ा हुआ है। और थर्ड ईयर में ऐसा है कि उसमें लिफ्ट में लग नहीं पाता वो टायर, क्योंकि हिच का हिस्सा भी पीछे हुआ है और लिफ्ट जो है वो ट्रैक्टर द्वारा अंदर ज़्यादा झुकी हुई है, तो उसमें लग नहीं पाता। एक बार हमने लेकर गए थे, बड़ी मुश्किल थी। तो ये हो गया टायर पंचर, और इसका टायर ट्रैक्टर में लगा चुका हूँ न्यू हॉलैंड में। ये देखो जेक लगा के कंप्लीट हो गया है, ये तो इसको खोल खाल के कंप्लीट कर दिया। ट्रैक्टर भी कंप्लीट है, मैं जरा को एक भैया को छोड़ देता हूँ, साइन से जाएंगे साइन। इससे जाते हैं साइन। बाकी अपनी पल्सर तो अभी इंदौर में, बाकी चलो चलते हैं एक बार फटाफट। तो भाई दोपहर का टाइम हो चुका है 2:30, और हम जा रहे हैं कुप्पा लेकर डीजल लेने। ये देखो बना के मैं आ चुका हूँ। अब आ गया हूँ मैं मेरे पुराने घर पे। इसमें वो इंजन लाल तोर, मतलब जो आती है ना खाने की तुअर की दाल, वो बोएंगे इसमें। तो पिछली बार भी मैंने इसको पकड़ा था न्यू हॉलैंड से, कल्टीवेटर ये वाला नहीं था, कल्टीवेटर वो वाला था अपना 7 फल्ले वाला। दम नहीं है यार, सब हिंच के ला रहा कर। मजा नहीं आ रहा ये बम्बे में। गड्ढे में मार देता हूँ थोड़ा सा, बाकी चलो इसको कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई इसमें जुड़ा था न्यू हॉलैंड, इसको हमने खोल के जंडियर पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसमें टायर नहीं जा पाता, तो सिडिल इसमें फंसा दी। टायर लेकर एक ट्रक जा ही रहा है, बाटल जा कुप्पी में भरे रहे अब भी भरे। हाँ ये नट बुलवा लेता हूँ 10-1, क्योंकि ये टूट जाएंगे खोलने में। एक सिडल वो बन रही जंडियर पे, एक सिडल ये है
ये दोस्त से बोलना आपने को, इसका तो नई वाली का तो कोई काम नहीं है, जबकि लोगों का नहीं से बोलते हैं पुरानी पटक देते, हमने नहीं पटक दी, सिस्टम है। चलो ये नट दे देता हूँ, बुलवा लूँगा। तो भाई अपना 53-10 खड़ा यहाँ पर, जिसमें लगी हुई है शेड्यूल, कौन सी पुरानी वाली, ये वाली शेड्यूल इसमें लगी क्योंकि इसमें चल रहा काम। ये देखो इसको बनाना अपने को 14 इंच पे, वो ट्राली का टायर अभी तक नहीं आया, न्यू हॉलैंड गया है लेक के। भाई रात का टाइम हो चुका है 10:30, ट्रैक्टर आ चुका ही है, पानी का मौसम हो रहा तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इनको अंदर कर देता हूँ। बाकी LED जल रही है अपनी, बढ़िया जल रही है, इसको एक बार यहाँ घुसेड़ देता हूँ और न्यू हॉलैंड कर जाता हूँ वहाँ पर। ये दोनों को थोड़ा जगह पर, अरे चाबी इधर पर रखी है, डी का तीसरा, चलो इनको कर देता हूँ अंदर। तो इसको लगा देता हूँ मैं ये गियर रीजन, क्योंकि भाई चीज़ जितनी अच्छी रखोगे ना उतनी अच्छे काम करेगी आपकी चीज़। इसके तो हेडलाइट में दिखते नहीं है कि कहाँ पर लग रहा है ट्रैक्टर। अरे ये क्या है, जंडियर का किला पड़ा है यहाँ पर। अच्छा मैंने उसको दिया था कि बेल्डिंग हो जाए, इसको नीचे गिरा दूँगा, टायर लटका हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं दबा दिया। चलो पड़ा रहेगा, चाबी निकाल लेता हूँ। बाकी और अब बाप रे, ये शायद वो उस दिन खिंचाया, मैं सेंटिंग लेकर आया ना उस दिन, ट्रैक्टर कर दिया ये इसको अंदर और उसको भी उधर लगा दिया, उसको इधर नहीं लगाया क्योंकि उसमें लगी हुई है सिडिल, तो सिडिल से क्या होता है कि ये जगह फूट जाती है अपनी, उसमें क्या कम जगह है वहाँ पर, वो ज़मीन पर रखी हुई है सिडिल, और ये जगह है ना फूट डालती, और ये ट्रैक्टर यहाँ बहुत दिन में लगाया है, पहले ये यहीं लगता है क्योंकि जंडियर की लंबाई ज़्यादा है ना, तो ये टीन के नीचे वो बढ़िया बन जाता है। लंबाई इसलिए ज़्यादा क्योंकि उसका बम्फर लंबा है, लंबाई तो लगभग सेम ही है दोनों की, लेकिन उसका क्या बम्फर इससे भी ज़्यादा लंबा है, इस वजह से उसको यहीं लगाते हैं। और ये क्या सिस्टम है, चलो टायर, चलो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वो तो रात भर ही। बाकी जंडियर की एक बार मैं बताऊँ क्या क्या सिस्टम है, ये देखो सिडिल कहाँ है, नीचे दिख रही क्या, हाँ ये देखो कहीं कहीं के है नोक, इसको यहाँ पर लगा दिया मैंने बढ़िया, अभी इतनी और जगह है यहाँ पर, लगभग ऐसे में देखो तो 6 इंच का लगभग में जगह है, और 16 फीट की अपनी ये टीन है, ये वाली बाहर वाली, और ये वाली है आई थिंक 14 फीट की, हाँ 14 की है। बाकी ट्राली में टायर तो लगाया नहीं क्योंकि ट्रैक्टर लेट आया, वो चक्कर में लगाया नहीं। ये सिडिल भी हो गई कंप्लीट, इसमें मतलब टांग बदलना हो चुका है कंप्लीट, और इसमें बचा हुआ है डबरू पलटाना भी बचा हुआ है अभी, तो पत्ती खोल दी अंदर की, और नहीं पत्ती नहीं खोली, नट कसे है। उसके बाद इसमें और क्या बचा हुआ है, हाँ नीचे पीछे एक साइड फल्ली लगेगी क्योंकि अपन को पाल वाली सिडिल बनाना है। तो ये सब सिस्टम करके मिलेंगे अब सीधे सुबह नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एक फ़ोटो ले लेता हूँ।